मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। पूरे देश में लिंचिंग का मामला रुक नहीं रहा है। कुछ दिन पहले झारखंड में एक लिंचिंग का मामला सामने आया था। अब एक ताज़ा मामला बिहार के अररिया के फारगिसगंज में सामने आया है, जहां पर मोहम्मद सिद्दीकी को एक भीड़ के जरिए पीट पीट कर मवेशी के चोरी के आरोप में मार डाला गया। 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। यह मामला एक हफ्ता पहले का है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ के जरिए 53 वर्षीय मोहम्मद सिद्दीकी को पीट पीट कर मार जाने का मामला सामने आया है। पिछले कुछ सालों से पूरे देश में ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं आप सब जानते हैं। झारखंड में भी लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं, लेकिन अब झारखंड सरकार ने एक कानून लाया है कि जो लिंचिंग करेगा, अगर लिंचिंग में उसकी मौत हो जाती है, तो जिस पर आरोप लगा है लिंच करने का, उसको 10 साल की सजा भी हो सकती है। इससे पहले यह कानून बंगाल में पास हो चुका है, अब झारखंड ने भी पास कर दिया है। पूरे देश के कोने कोने से हर 2 दिन बाद आप देखेंगे तो ऐसी ही खबर सामने आ जाती है, जहां पर एक विशेष समुदाय के लोगों को परेशान और दंडित किया जाता है। दिल्ली से मध्य प्रदेश तक, गाजियाबाद से गुरुग्राम तक ऐसे ही मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां पर एक विशेष संगठन द्वारा तांडव मचाया जा रहा है और गाय के नाम पर, मवेशी चोरी के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। उसके बावजूद भी ऐसा करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। एक हफ्ते से ज्यादा दिन गुजर चुका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं करी है। हमारी जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक अननोन पर्सन के खिलाफ FIR करी है। पुलिस ने कहा कि जब हमें यह मामला पता चला तो हमने इसकी जानकारी ली, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। एक अननोन पर्सन के खिलाफ हमने FIR दर्ज कर ली है। आप सोचिए कि पूरे देश में ऐसी ही खबरें आती हैं, लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। यह मामला अररिया के फारबिसगंज का है, जहां लिंचिंग का मामला सामने आया है। 53 वर्षीय मोहम्मद सिद्दीकी को एक भीड़ के जरिए मार डाला गया, और यह मामला नीतीश कुमार के सुशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है, जो लगातार ये दावा करते हैं कि बिहार में कानून का राज है, कानून का राज स्थापित हो चुका है। यहां पर गुंडे डर चुके हैं पुलिस से, लेकिन वहां पर गुंडे अब बेखौफ नजर आ रहे हैं। कई तरह के मामले वहां पर सामने आ रहे हैं। इससे पहले अररिया में ही एक साइकिल चोरी के आरोप में एक नौजवान को पीट पीट कर मार डाला गया था, लेकिन ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई और पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती है। तो आप सोचिए कि किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, पुलिस ने अभी तक एक भी पर्सन के खिलाफ FIR दर्ज नहीं करी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मर्दाना कमजोरी और उससे मुतालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं, और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर, इंसानी हकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अकलियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर, और उन तमाम इश्यूज पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज़िया निगार, दानिश्वरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरी। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात मिलर टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही खास पहचान। मिलर टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव। सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ, यानी शम्स तबरेज कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए
गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं चार जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। Twitter और Instagram पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com